दिन पर दिन चढ़ते पारे की वजह से भारत में गर्मी बढ़ती जा रही है। इस गर्मी का असर इंसानों पर तो दिख ही रहा है, लेकिन बेजुबान पंछियों पर इसकी मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। अहमदाबाद के जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट के अस्पताल में भर्ती बीमार पक्षियों की संख्या न केवल हैरान कर देने वाली है, बल्कि चिंता का विषय भी है। इस अस्पताल में नियमित रूप से डिहाइड्रेटेड बर्ड्स और गर्मी की वजह से बेहोश होकर चोटिल हुए बर्ड्स की संख्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, जिनका ट्रीटमेंट यहाँ के डॉक्टर्स करने में लगे हुए हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि गर्मी के कारण जो भी बर्ड्स आते हैं वो सेमी कॉन्शियस होते हैं या तो फुली डिहाइड्रेटेड होते हैं। उनका यहाँ पर ट्रीटमेंट होता है और उनको विटामिन से लेकर दवाइयाँ तक दी जाती हैं। पे डेली जैसे हम बर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे पिजन्स है, फिर मैना है, फिर काइट्स है, कभी कभार आउल्स भी आते हैं। तो अभी गर्मी का मौसम जैसे जैसे बढ़ रहा है वो उन लोगों में हीट स्ट्रोक के केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं, जैसे वो सेमी अनकॉन्शियस आते हैं या फिर फुल्ली डिहाइड्रेटेड होते हैं, एमिसिएटेड होते हैं। तो जैसे कभी कभार वो एज इट इज ही आ जाता है और कभी कभार उनको काइट स्ट्रिंग की वजह से एक्सीडेंट के भी केसेस मिलते हैं। तो जैसे ही वो पहले आते हैं तो हम ऐसे कोई ट्रॉमा का केस हो तो हम उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट और ड्रेसिंग पेन किलर के साथ साथ जो सलाइंस है और दूसरे मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स तरीके से उनको हाइड्रेटेड रखते हैं, और एवरी 2 to 4 आवर्स में हम उनको सलाइंस और जो ड्रिप्स है वगैरह सब कुछ देते रहते हैं। उनके साथ साथ जो यहाँ पे इंडोर की फैसिलिटीज है बर्ड्स के केजेस में, वो हमारे जो असिस्टेंट्स होते हैं वो डेली उनका जो वाटरिंग और फीडिंग का लेवल है कि नहीं, वो एवरी 2 to 2 आवर्स में वो चेक करते रहते हैं। और डेली केसेस यहाँ पे 60 to 65 रहते हैं, जिसमें से हीट स्ट्रोक के पर्टिकुलर बर्ड्स में भी हम मान ले तो पर डे के 15 to 20 केसेस आते हैं। लंबे टाइम तक टेम्परेचर ज्यादा रहने की वजह से उनमें मल्टी ऑर्गन फेलियर का चांसेस रहता है और उस कंडीशन में उनके मरने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारा पहला काम होता है कि उसका टेम्परेचर मैनेजमेंट करें हम। ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से उसको डिहाइड्रेशन होता है, उसमें फ्लूइड थेरेपी देते हैं और टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हम उसका मेडिसिन देते हैं। वहीं बढ़ती गर्मी में इन पक्षियों की हालत देखकर जीव दया चैरिटेबल ट्रस्ट के अस्पताल के जनरल मैनेजर का कहना है कि ज्यादातर बर्ड्स डिहाइड्रेशन के कारण आते हैं और उनमें पानी की कमी होना या पानी ढूंढने में कहीं दूर तक जाना और फिर वापस न पहुँच पाना, और बर्ड्स के बच्चे भी ज्यादातर उसी का शिकार होते हैं। जीवदया चैरिटेबल ट्रस्ट 365 दिन एनिमल्स बर्ड्स का हॉस्पिटल चलाती है। जैसे ह्यूमंस में सीजनल रहता है वैसे एनिमल्स बर्ड्स में भी सीजनल रहता है। जैसे अभी गर्मी का एटमॉस्फियर है तो डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे पास एनिमल्स और बर्ड्स आते हैं। अभी पिछले 10 दिन का डेटा अगर मैं बोलूं तो 80 बर्ड्स से ज्यादा रोज हमारे पास इन्वर्ड होते हैं और एनिमल्स में भी तकरीबन 60-70 एनिमल्स का रोज ओपीडी होता है हमारे वहाँ। किस तरह से कंडीशन में आते हैं और क्या ट्रीटमेंट? जैसे मैंने आपको बताया कि समर के दौरान जनरली डिहाइड्रेशन वाले बर्ड्स आते हैं। डिहाइड्रेशन यानी शरीर के अंदर पानी की कमी होना, उसको डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो वैसे बर्ड्स हमारे पास आते हैं, कभी कभार झाड़ से गिर जाते हैं, कभी कभार पानी की ढूंढ में जाते हैं, वापिस आते हैं तब तक वापिस पहुंच नहीं पाते, बच्चे इंजर्ड होके आते हैं, बेबी बर्ड्स इंजर्ड होके आते हैं, तो ऐसे आते हैं बर्ड्स।